हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट इफ ए प्लस बी एक्स इंटू ई रेस टू वाई बाई एक्स इक्वल्स एक्स, देन प्रूव दैट एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये होगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। हम जानते हैं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जो है वो बनता है, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखो सेकंड का डेरिवेटिव, देन प्लस सेकंड को रखो सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लोगों को जो फंक्शन दे रखा है वो लिख लेते हैं, ए प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर वाई बाय एक्स इक्वल्स एक्स। सो यहां पर हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग हम लेंगे, तो ये बनेगा लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स टाइम्स ई की पावर वाई बाय एक्स इक्वल्स लॉग ऑफ एक्स। जैसा कि हम जानते हैं लॉगरिदम की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए इंटू बी कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। सो यहां से हमें ये मिलेगा, पहला लॉग मिलेगा लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस लॉग ऑफ ई रेस टू वाई बाय एक्स इक्वल्स लॉग एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, अगेन लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से ये वाई बाय एक्स आगे आ जाएगा और लॉग ई बेस ई बन जाएगा वन इक्वल्स टू लॉग एक्स। सो यहां से हमें वाई बाय एक्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स। अगेन हम लॉगरिदम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसा हम जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी अगर अपने पास है तो इसको हम लोग सिंगल लॉग में लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बाय बी। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा वाई बाय एक्स इक्वल्स लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। सो फ्रॉम हियर हमें वाई मिल गया एक्स टाइम्स लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। नाउ हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई का डेरिवेटिव मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो पहले एक्स को हम लोग सेम रखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं लॉग टर्म का, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय ए, सो वन अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स ये आएगा और फिर एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्वेश्चन रूल लगा के करेंगे। सो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी एक्स को रखो सेम और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज वन माइनस एक्स को रखो सेम और डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी एक्स हो जाएगा अपने पास बी, देन प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स रहेगा सेम इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन। सो ये बन गया अपने पास एक्स और एक्स कैंसिल, ए प्लस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा न्यूमरेटर के अंदर ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक ए प्लस बी एक्स और ये आ गया प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स विच इंप्लाइज डी वाई बाय डी एक्स हमें मिल गया ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसके बाद क्योंकि हमें डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको
इसके पहले हम लोग लॉग ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स को वाई बाय एक्स लिख लेते, सो ये कुछ बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई बाय एक्स, यही था लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। सो अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमें मिलेगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे, ये आएगा अपने पास ए कांस्टेंट है टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा बी, देन प्लस वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसको हम लोग क्वेश्चन रूल से कर लेंगे, सो डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स रहेगा सेम वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, ये एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स देन माइनस वाई रहेगा सेम और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, सो यहां से मिल गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, सो ये आएगा एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए था एक्स क्यूब चाहिए था, तो दोनों तरफ एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स क्यूब, सो ये मिलेगा एक्स क्यूब डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस ए बी एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा इधर, सो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इसको हम लोग एक ए दे देंगे और नीचे एक ए लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, सो जगह माइनस टाइम्स बी रहेगा अलग एक्स क्यूब रहेगा अलग टाइम्स अपने पास बचेगा ए स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, सो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड में एक ए बच जाएगा यहाँ पर प्लस एक्स टाइम्स एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई, सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर इसके अंदर हम लोग दे दे, तो यहाँ ये बन जाएगा एक्स क्यूब डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस बी एक्स बाय ए आएगा बी बाय ए एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा ये एंड देन प्लस एक्स टाइम्स एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई, सो यहां से ये इक्वल बन गया जो हमें चाहिए था एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के, सो यही हमें प्रूफ करना था, हियर वी कैन कंक्लूड आवर आंसर हैंस प्रूफ्ड, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।